सचिव हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का समन्वय समिति बनाई गई है। ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा गरीब जनता की जितनी भी ग्रामीण सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, उसे पूरा करने के लिए सरकार दिन रात हमसे कार्य करा रही है। लेकिन उसके बदौलत जो हमारी मूलभूत मांग वेतनमान है, वो वेतनमान न दे करके चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान दे रही है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर बगल में हमारे उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में ये सारी सरकारें वहाँ पे सचिव का, ग्राम पंचायत सचिव का एक अच्छा सम्मानजनक स्केल दे दी है, अशैक्षिक योग्यता वहाँ स्नातक कर दी है। वही मांग को लेकर के हम लोग आंदोलित हुए हैं। इस पर हम लोग 12 अप्रैल को सभी जनपदों में, उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है उचित माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। 23 अप्रैल को, आने वाला 23 अप्रैल को हम लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी 23 तारीख को लक्ष्मण मेला में विशाल धरना देते हुए ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री को। हमारी 3 मांगे हैं। पहली मांग हमारी ये है कि शैक्षिक योग्यता हमारी स्नातक कर दिया जाए, स्नातक के साथ साथ इसकी ओ लेवल कंप्यूटर कर दिया जाए, इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा। दूसरा, वेतन ग्रेड हमारा 2800 लेवल पे कर दिया जाए, पाँचवें लेवल के 29200 कम से कम वेतनमान हमारा हो, जो कि अन्य जनपदों, अन्य प्रांतों में दिया जा रहा है। तीसरी मांग हमारी ये है कि सरकार ने ये निर्धारित की है कि 10 साल, 16 साल और 26 साल की सेवा पे हम 3 पदोन्नति देंगे। जब सेवा 3 पदोन्नति देने के लिए कहती है तो हमें 3 पदोन्नति देती नहीं है। हमारी जिस पद पे हम सेवा में आते हैं उसी पद पे 32 साल, 34 साल की सेवा करने के बाद रिटायर हो जा रहे हैं, तो हमें 10 साल की सेवा, 16 साल और 26 साल पे 3 प्रमोशन दिए जाएं। इसके लिए हमारे प्रमोशन के पद बढ़ाए जाएं। यदि सरकार पदोन्नत पद नहीं दे पाती है तो हमें प्रमोशन के समय का वेतनमान दे दे। हम यहाँ पर 12 विकासखंड, 12 विकास के समस्त सचिव 23 तारीख को लखनऊ चलो अभियान ये करेंगे। यहाँ एक भी सचिव ग्राम पंचायत का कोई कार्य नहीं करेंगे, सारे कार्य का बहिष्कार करते हुए, पूरे जनपद का विकास कार्य ठप करते हुए वो लखनऊ में पहुँचेंगे और वहाँ पे एक अपनी मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। कार्य प्रभावित होगा आप लोग हमारे जाने से? सबसे पहले इस समय मनरेगा, जो पूरे भारत सरकार में चल रहा मनरेगा का, इस समय फसल कटी हुई है, रोजगार देना है, वो बाधित होगा। कोई भी रोजगार नहीं पाएगा, गरीब जनता जो रोजगार खोज रही है। दूसरा, ODF करने के लिए भारत सरकार पूरे प्रदेश को 2 अक्टूबर को ODF करने जा रही है राज्य सरकार, वो ODF का प्रभावित हो जाएगा। शौचालय का निर्माण पर डे का लक्ष्य बनाई गई, वो लक्ष्य नहीं पूरा होगा। आवास का बनाया गया है प्रधानमंत्री आवास देने के लिए, वो पूरा प्रधानमंत्री आवास का चयन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से आम जनता जो ब्लॉक पे परिवार रजिस्टर का नकल मांगने आती है और सुविधाओं के लिए आती है जनता में, वो उनके बहुत दिक्कत होंगी करने जा रहे हैं, वो हम 23 तारीख को घोषणा करेंगे। आज यहाँ पे बताना उचित नहीं जी। ठेकतरा हो रहा है।